लो बीच में मैंने तेल डाल के थोड़ा सा, और जीरा वीरा नहीं डाला क्योंकि ये बोलते मम्मा जीरा नहीं। पर तो फ्राई कर दिया इनको, एक बार और फ्राई होंगे। अभी पहले बच्चों को नहला दूं। आप जब बता, आप अपना मेंटेन करके रहो, सब क्या है ना पापा ना रह इसके मैं किम से दसा देगो तो आप नहीं से ले मैं किम से दब में ले दिया का किम से ऐसा कुछ भी हो उसके माले दस तो आगो आगो सब का देपन अगर आप ना किसी उद भेज दियो कहां कुकिंग कंपटीशन में। अच्छा ओके okay. तो फिर सुषमा यादव व्लॉग। और भाई अभी आज की रेसिपी होने वाली है ब्रेड के पकोड़े। ये हमने थोड़ा सा बेसन ले लिया, इसमें नमक मिर्च हल्दी डाल दी है। ये ब्रेड है जो हमने कल शाम को ही मंगवा ली थी, और ब्रेड जो बड़े वाले जो स्लाइस होते हैं ना वो वाली ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि उसके जब हम कट करते हैं ना बीच में से तो अच्छे से, एक तो स्टफिंग भी अच्छे से भरी जाती है, और दूसरा कि वो थोड़ी बड़ी होती है तो थोड़ा शेप वाइज भी सही आती है। छोटी वाली जो ब्रेड होती है उनमें मज़े नहीं आते इतने, इसलिए हमने छोटी तो यहाँ पर मिल जाती, बड़ी नहीं मिलती, इसलिए बड़ी हमने बाहर से मंगवा ली थी कल रात को ही। और ये हम कर रहे हैं अभी इसका बैटर तैयार। तो ये थोड़ा ज़्यादा ना पतला ना गाढ़ा, मीडियम सा होना चाहिए, और देख रहे हो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। ये तैयार हो गया, अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक के और रख देंगे साइड में, फिर तब तक हम करेंगे स्टफिंग की तैयारी। तो अभी स्टफिंग की तैयारी करने के लिए इसमें क्या क्या डालने वाले हैं, वो है आलू। आलू मैंने इसके अंदर बॉईल कर लिए थे, और अब सारे के सारे आलू को छील लेंगे। यहाँ पे बेटा भी आ गया था मेरा, कुछ कह रहा है पता नहीं क्या, तो चलो सारे के सारे के आलू को छील छाल के इसका बना लेंगे पेस्ट, जो इसमें भरेंगे स्टफिंग के लिए। और इसमें क्या क्या डलेगा, बस आलू, नमक, मिर्च, कसूरी मेथी और गरम मसाला और हरी मिर्च और लहसुन कूट पीट के, तब ठीक है ये बनने के बाद में फिर इनको रख देंगे साइड में। और फिर हमारा जो वो है कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लेंगे, और उसके अंदर ज़्यादा कुछ मैंने कुछ नहीं डाला, तेल डाला सीधा इस आलू को डाला, और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो अच्छे से आता है, वरना वो कच्चा कच्चा सा लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने सैंडविच बनाई थी तो हमने वैसे ही डाल दिया था। सैंडविच में उतना बॉईल करके मिक्स करके तो ब्रेड पकौड़े जब हमने खा के टेस्ट करे तो जब अच्छा लगा था, इसलिए इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसमें हल्दी, मिर्च और नमक वो सब चीज़ें ही डाली थी, ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। तो अभी मैंने ये कर दिया है, तेल डाल दिया है कढ़ाई में पकौड़ों को बनाने के लिए, और यहाँ पर मैं स्प्रेड कर रही हूँ बट इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर ही आलू वगैरह अच्छे से मैंने कर दिए। अब इनको पीसेस में काट के और फिर तल लें। ये हमारा बैटर है जो रेस्ट करना है, मैंने एक चम्मच गरम तेल और बेकिंग सोडा डाल के मिक्स कर दिया अच्छे से। अब इसमें इन ब्रेड्स की कोटिंग करके फिर डाल देते हैं अंदर पैन में, तेल भी क्योंकि उबल ही गया, यहीं ले चलते हैं। ये देखो तेल भी बिल्कुल उबला हुआ है। पी नहीं आएंगे इसके अंदर जब तक ये अच्छे से फ्राई होते हैं, तब तक उन ब्रेड को कट कर लेते हैं। पर तो फ्राई कर दिया इनको, एक बार और फ्राई होंगे। अभी पहले बच्चों को नहला दूं, रेडी कर दूं, उसके बाद जब चलने लगेंगे तब एक बार और फ्राई करके उससे क्रिस्पी बनते हैं। अभी देखो ये थोड़े सॉफ्ट हैं, ठीक है फिर क्रिस्पी से और अच्छे से बनेंगे। ये सेकेंड टाइम फ्राई हो रहे हैं और अब ये फाइनल बन जाएंगे, ठीक है। और ये सारे मैंने बना दिए देखो, इनमें से कुछ एक, ये तो एक एक लंच में ले जाएंगे मम्मी के लिए, मेरे लिए, और तुषार ने आज बोला था स्पेशल कि मेरे लिए बनाना, तो एक तुषार ले जाएगा, बाकी यहीं पे रहेंगे, ठीक है।
खा लेंगे, बच्चे आके खा लेंगे जैसे भी। तो इतने बन गए हैं और ये ऐसे थे। ये थी आज की रेसिपी ब्रेड पकौड़े की। तो कैसी लगी बताना सारे के सारे, ठीक है। वैसे मस्त बने हैं देखने से, देखो बिल्कुल एकदम बढ़िया। दूसरी बार फ्राई करने के बाद बिल्कुल एकदम बाजार जैसे बन गए हैं। क्या कह रहा है? देखो आपने कहा था कि जब तक ना मेरे ये जूते फटे नहीं जाएंगे ना, तब तक तू ये पहन के जाता। एक बार गंदे होते हैं, अच्छा, और ये मुड़ जाते हैं क्योंकि मेरा पैर स्पोर्ट्स में थोड़ा ऐसा हो जाता है ना, रेस में बहुत जूते तोड़ता है देवांश तू सच में। चलो अभी कितने दिन हुए, मुश्किल से महीना भी नहीं हुआ अगर लाए हुए। तो मैं फुटबॉल खेल के आया था वो स्पोर्ट्स के पीरियड में रोज, मेरे तो कुछ नहीं होता, मेरे तो वैसे की वैसे रहते हैं। सही कह रहे, देख ले भैया के नए, और जो इसके साथ जो शूज आए थे ना उनके तो ऐसे ये सारी ऊपर की स्किन से उतार के फेंक दी इस नालायक ने। अभी 12th क्लास तक ये शूज पहनने आपको। मम्मा देखो मैं ऐसे मारता हूं, तीन उंगलियां फिट है, मम्मा ये ऐसे मारता है, इतना बड़ा हो जाएगा ऐसे ऐसे। सही बात है, भागता तो क्या होगा, इसको भागना तो आता ही नहीं बेचारे को। देख 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 दे बचा। चलो भाई बच्चे भी रेडी हो गए, टाइम हो गया है, 8 बजने में 10 मिनट है, भी जाएंगे करूं लग जाएगी। दे 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 वो पड़ा, वो पड़ा, वो पड़ा। अच्छा चलो कैप पहन ले बेटा, ठीक है भाई ये हो गए रेडी, इनका लंच पैक कर दो फिर चलेगी। डालेंगे ताकि इनको खाने में दिक्कत ना हो, तो बहुत ही मस्त क्रिस्पी से बने एकदम। मम्मा मैंने सॉस मत डालना। क्यों? बिना सॉस का खाओगे आप? मैं सॉस के साथ सब कुछ मुझे बहुत मतलब अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा आपको टका टक अच्छी लगती है मम्मा? ये नाइस डे टू यू। ओ गोरी बहुत ज्यादा मौसम, देखो भी कितना खराब है आज। कहाँ पे कुनाल? हेलो नमस्ते। बाबा नहीं आए आज? अच्छा हाँ सही है, माजिक साथ चले जाना। अच्छा कोई बात नहीं, टाइम हो रहा है 12:15, काम सारा हो गया, खाना बना सुबह बन गया था, नीचे चलेंगे। अब एक चीज़ दिखाती हूँ आपको भी, कितने सॉरी कबूतर हमारे घर पे आज, छोटी सी रोटी रखी थी ना उसको देख के आ गए। सारे लड़ रहे हैं, और अगर मेरे बेटा होता ना तो छोड़ता नहीं, इनको भगा देता तभी, ये तो कुछ ऊपर बैठ गए। अब ये वो नहीं है, तब तक ये मस्ती से खा रहे हैं। उसको बड़ी वो रहती है कि बस पकड़ लूँ या फिर उड़ा दूँ। सारे खा रहे, मैं नीचे जाऊँ तो अभी नहीं जाऊँगी, बट ये खा लेते हैं फिर जाऊँगी थोड़ी देर में, वरना ये भाग जाएंगे बेचारे। मम्मी का डाल देते हैं पकौड़ा इसमें, एक बार टेस्ट करवा के आते हैं और क्या कर रही है देख के आते हैं। और आज तो धूप तो निकल ही नहीं रही है, बहुत बुरा उड़ गए सारे के सारे कबूतर। वेट चलो भाई हो गया, आप लेके चलते नीचे। पापा किधर है? पकड़ो पापा किधर है? सच की बोल रहे थे पापा पूरी है कि तो सारी चीज डाल गए तो फिर ना। अरे वो बैंगन सो दिख रहे, बैंगन ना मिर्च है ये, हाँ तो बैंगन सो दिख रहे हो।
वाले बात सामने बात शक्तिमान बड़ा दिमाग किसकी फरमाइश बस मेरे मन में आ रहे थे फरमाइश देखियो खाके पकोड़ा ग्रत कुमारी स्वरस वो सुंदर पड़ेगा भी लफा का मैं दे आप जब पता आप अपना मेंटेन करके रहो सब क्या है ना पापा ना रहे इसके आप खाओ मुन्ना खाए पहले क्यों मैं किम से दसा देगो तो आप नहीं सेते मैं किम से दाद में ले दिया क्या किम से ऐसा कुछ भी हो उसके माले दस दस लग जाए आलू है बाई कर जाए कि हो जाए तो आपके हो जाएगा ना फिर मैं देख लूँ अपने आप ठीक ठाक रहोगी तो मैं भी खाऊंगी ऊपर जाकर इंटाल सही है अरे सोचो आपने चक्कर वैत रही आज है हैं आगो 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 चक्कर दे पंडी अरे झूठ बोले तो आज को की प्लान आज को कुछ नहीं है सोचे डुप्लीकेट लग कर दूंगी धूप ना निकले ना दो आज तो है ही ना करते रखो आज तो धो लियो सही है फिर मैं थोड़ा बाल निकल लिया पहन ले आऊंगी देख रहा ऊपर दे मूला सरक ले जाऊंगी मूला सरक अपना दे हाँ बहुत घूमो सारे दिन ग्यारह दिन ग्यारह तारीख ग्यारह तारीख के प्रोग्राम दस ग्यारह लगन आओगे अच्छा मामा पापा को और गई जुत्ती तो देखो बहू की देखो और सासू की देखो कौन गरीब है जुत्ती देखो जुत्ती मेरी बेचारी बिना नाई धोई सी और आपकी देखो पड़का मार रही है यह है पीछे क्या एक बार धोली थोड़ा सो गर्दो लॉग थी जब ही मशीन घुमा दे जब ही दो बार धोली है और मेरी देखा है पीछे धोई ना कल इन इन गेरूंगी हाँ तो चार डबी जाता है अच्छी लगा वैसे हल्की हल्की उस दिन पहली थी ना उस रात वाले जब काली काली मिर्च भी मिर्च मस्त लग रही है कुछ अटका देख मैं तो राल पड़ लग गई देख देख के बढ़िया राल गिरन की मारी तुम बना हुई है ना मम्मी अगर आप ना कितनी उद भेज दे कहाँ कुकिंग कंपटीशन में अच्छा ओके okay. तो फिर सब तो भाई बनाओ ना आप के बना सको सब कुछ आ वैसे तो आपने ओ तीनों वाले ने चक्कर के रहे हो सही बात है पर बिल्कुल दिया आप 10 तारीख को तीसरा के 10 ना अच्छा तीसरा 10 तारीख को चलो सही है लिया ही मैं कड़ी मैं बनाऊंगी थोड़े से चावल कड़ी चावल खाएंगे आज टाइम हो गया है 3 और मेरे बच्चे भी आ गए और देखो धूप कितनी जबरदस्त जस्ट अभी निकली है 1 मिनट पहले बस जैसे मेरे बच्चे आए वैसे ही धूप निकल गई देखो आहा मन करता कि धूप में बैठे बट कहाँ बैठे मैं जाना क्या हो गया चलो बच्चे आगे पढ़ाते हैं बाद में किसको अब पिचकाओ देखो भाई इसके स्टोन अरे वाह भाई दिखा दिया तूने तो दूध पीता है वो सारी चिप्स बिचारी अंदर उसका क्या हुआ वो कर दिया आदि ये लगी आए मजे मजे तो नहीं आए लेकिन मैं हंसी हंसी आई देखो बस लग जाएगी बस 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 इस चिप्स को आज मैं बताऊंगा क्योंकि इसने मुझे बुखार चढ़ाया था इसने तेरे को बुखार चढ़ाया तो खाता है और फिर इसको ब्लेम करते हैं टाइम हो गया 6 बज गए मेरा बेटा नहीं गया घूमने आज इसको अपना होमवर्क करना था इसका ज्यादा था इसलिए देर उधर का कम था अभी देखो फोग अभी से कितनी सारी हो गई धूप निकली थी कपड़े तो धूल तो गए थे सारे उनको उठा के अंदर रखूंगी क्या बेटा अब भैया करेंगे ना हाँ भैया करेंगे अब भैया करेंगे
और अब इनको उठा के मैं रख दूंगी। इनकी यूनिफॉर्म के लिए फ़ैन चलाना पड़ेगा क्योंकि सूखेगी, कल पहन के जानी है इनको। कल भी बेचारे स्कूल जाएंगे, इनके उसके एनुअल फंक्शन की वो चल रहे हैं रिहर्सल्स इसलिए। और फोग देखो अभी से कितनी सारी है, और वो दोनों दादी पोते अभी तक आए भी नहीं है। चलो कपड़े उतार के उधर रख दूँ, फिर करूँगी जोत। जोत कर रखी तो पहनने की ठंड सी लग रही थी इसलिए, ठीक है। तो चलो फटाफट से कपड़े उतारी हूँ, फिर जोत करके फिर मिलेंगे। क्या बनाएंगे खाने? वैसे कढ़ी रखी हुई है वो तो खा ली, मम्मी से और ले आएंगे और रखी हुई है, और फिर इनके पराठे बनेंगे, रोटी बनेंगे, वो बना के फिर आपको, ठीक है। ज़्यादा ठंड है भाई, बिल्कुल हाथ ऐसे हो गए जाम। और सवा छह बजे मैंने फ़ोन कर दिया रुद्रा के पास, रुद्रा भी आ रहा होगा, मम्मी भी आ रही है, मम्मी शाम से बैठे कहीं पे, बट वो आ जाएगा। चलो सुनते हैं अपने फोन में, हम करेंगे बर्तन साफ, किचन में सारी चीज़ें फैली हुई पड़ी हैं, इनको साफ करेंगे, और इनके लिए पराठे बनाएंगे। एक पराठा मैं भी खा लूँ शायद, थोड़ा सिंपल बनाएंगे। 5 मिनट में चलो भाई, थोड़ी देर नीचे मिल के आते हैं। मम्मी घर से क्या कर रही है? बंद कर लेना गेट बेटा, कुछ रह गए भाई। कल लिया हूं तो नया। हां अच्छा, कल लिया 100 रुपया का। के हो गया मर गई आ गई वापस आ गई, झूठ ही बोल रहा है नुई। ये नाटक बना रखा, खींच रखा बुड्ढी रंगी। अच्छा वो हो गया ना जिस तरह वैकम आए। कौन ये एक सासू? हाँ, मतलब मारना चाहिए अपने, इनकी जायदाद में सारे मतलब अपने बाल करना चाह रहे हैं। अच्छा